हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आज की वीडियो में मैं एक बहुत प्यारी डॉग ब्रीड कवर करूंगा जिसका नाम है कैविलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे, हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, तीसरा पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है, चौथा पॉइंट प्राइस और पांचवा पॉइंट कि इसकी ब्रीडिंग प्रॉफिटेबल है इंडियन मार्केट में या नहीं। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। ओरिजिन इस डॉग का है यूनाइटेड किंगडम से। ये 19th मोस्ट पॉपुलर डॉग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये कंपेनियन डॉग ब्रीड है और ये जो है ना एक टॉय कैटेगरी की डॉग ब्रीड है। और इसका एक पॉइंट बताता हूँ कि ये कितना अच्छा है। ये कुछ नहीं चाहता अपने मालिक से, सिर्फ इसको अपने लैप पे बिठाओ और इसको सिर्फ रब करो ऐसे से, बस ये इसी में ही खुश है इस चीज में, और ये कुछ नहीं चाहता। ये बहुत बढ़िया स्पोर्टिंग डॉग ब्रीड है, हाइकिंग एंजॉय करता है, मतलब आउटसाइड वाला नेचर बहुत एंजॉय करता है अपने मालिक के साथ। तो ये 2-3 पॉइंट इसके बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है क्वालिटी। क्वालिटी इस डॉग की 2-3 पॉइंटों से आप चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट की इसके जो कलर्स है ना वो लिमिटेड ही है, जैसे कि ब्लैक एंड टैन, ट्राई कलर, रब्बी कलर और एक और कलर है ब्लेनियम। अब अगला पॉइंट जो है कि आप जो क्वालिटी ऑफ इसका फर है ना, आप उसको चेक करके ले कि वो बढ़िया क्वालिटी का फर है या नहीं है, पप्पी का स्ट्रेट कोट है या नहीं है। और एक और बात कि इसके कोट को ना आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी पड़ेगी, इसको ग्रूमिंग ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगला पॉइंट कि आप हेल्दी पप्पी उठाना है, जैसे कि क्या वो डॉग एक्टिव है। और एक पॉइंट और कि उसकी जो आईज, नोज और ईयर है ना वो साफ होने चाहिए। कई बार वो डर्टी होते हैं अंदर से और उसके चल के आगे जाके उसके अंदर मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये 2-3 चीजें चेक करके उठाना आप जो पप्पी ले हो। वेट बताता हूँ मैं, एक आइडियल वेट कितना होता है, 5.9 to 8.2 kgs। हाइट इसकी 12 to 13 inches। लाइफ स्पैन है 11 to 15 years। और जो इसका लीटर साइज है ना वो 3 to 5 पप्पीज का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। इस डॉग का सबसे मेन पॉइंट जो है कि मेरे को जो बेस्ट लगता है, जितने भी मेरे दोस्त जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या फिर उनके पास मतलब कि स्पेस की कमी है, मतलब ज्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं है या ज्यादा बड़ा मतलब कि घर नहीं है, तो वो इस डॉग को ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट अपार्टमेंट डॉग है। और बेस्ट अपार्टमेंट डॉग का मतलब कि ज्यादा जगह नहीं लेगा, मतलब इसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सरसाइज करवाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो और ये बहुत अगला पॉइंट की बहुत अच्छी सोशलेबल डॉग है। ये फियरलेस डॉग है, मतलब कि आप बहुत बढ़िया अलार्मिंग डॉग है। ये डरे नहीं गा कि कोई भी अगर बाहर खतरा होगा, बढ़िया आपको अलार्म कर देगा अगर कि कुछ गलत होने लग रहा है बाहर। और मैंने अभी बताया लेस एक्सरसाइज डॉग है कि ज्यादा एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, ये इनफ है। अपने आप ही भाग भूक के अपने फ्लैट पे या पैडियो में चढ़ चुके खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेगा, प्रॉपर कैलोरीज बर्न कर लेगा। पर इसके एक मेन पॉइंट है कि इसको ग्रूमिंग की जरूरत है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि इसका लॉन्ग कोट है ना, तो इसको आपको ब्रशिंग करनी पड़ेगी डेली। बस ये पॉइंट थे, इन चीजों से आप देख सकते हो क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्राइस इसका इंडियन मार्केट के अंदर। इसका प्राइस 60 to 70 thousand के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और ये डॉग इतना महंगा इसलिए है क्योंकि ये रेयर है अभी इंडिया में, इतने ज्यादा लोग इसको ब्रीड नहीं कराते और जिनके पास है उन्होंने इसे इंपोर्ट करवा रखे हैं, तो वो इसलिए इतना रेट इसका लेंगे। और इतना रेट लेना मतलब ये डॉग इतना अच्छा है, आप इसको देखोगे तो आपका मन ही करेगा मैं नहीं लेता हूँ। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि इसकी ब्रीडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है इंडियन मार्केट में। मैंने अभी बताया कि ये डॉग ब्रीड बहुत रेयर है इंडिया के अंदर, तो एक अच्छा स्कोप है आपकी डॉग इसको मतलब ये अच्छी सेल होगी इसकी। और इस एक अच्छा स्कोप ये है कि आप इसको इंपोर्ट कराओ और अपनी लाइन तैयार करो और उससे फिर आपके डॉग बिकेंगे, तो एक अच्छा स्कोप है ये। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।